अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फैजी टेक यूट्यूब चैनल। आज की हम वीडियो के अंदर जानेंगे कि हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं एसईओ आर्टिकल जो राइटिंग एडिटर है उसको। हमारा जो कोर्स चल रहा है राइट रैंक फर्स्ट एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल इन सर्च इंजन, इससे पहले से लास्ट हमने कन्फिग्रेशन की थी और गूगल सर्च कंसोल के बारे से हमने जाना था। आज हम इसी को लेके चलेंगे। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ से आपने अपने डैशबोर्ड में आना है तो आपके पास आपकी इस वेबसाइट, अगर आपने कुछ पोस्ट किया हुआ है तो ये टेस्टिंग की वेबसाइट है, उसके अंदर 27 पोस्ट हैं और एक पेज है, वो भी मुख्तलिफ तरह की, यानी काफ़ी ज़्यादा ही जो चीज़ें हैं वो हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने पोस्ट में आना है और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर मौजूद जो आपकी टेक्स्ट एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। उसके बारे में आप कहीं भी वीडियो देख सकते हैं कि हम इसमें पोस्ट कैसे कर सकते हैं, लेकिन हम ख़ुद आपको पूरा एक पोस्ट बना के दिखाएंगे जो एसईओ फ्रेंडली होगी और उसके अंदर तमाम यानी जो रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी होगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी ये हैवी चल रही है आजकल हमारे नेट के मुताबिक, तो थोड़ा सा वीडियो को पास करते हैं। तो ये देखें जी, ओपन हो चुकी है वेबसाइट। तो यहाँ पर हमें एक टूर दिया जा रहा है, सबसे पहले ऐड टाइटल, स्टार्ट राइटिंग और टाइप, इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ स्लाइड्स और तमाम चीज़ें हमें बताई जा रही हैं। इसके अलावा जी यहाँ नीचे आ जाएंगे तो ये देखिए रीडेबिलिटी एनालिटिक्स और फोकस की पैरास और ये तमाम चीज़ें, यानी यहाँ पे ये जो है योस्ट एसईओ है ये यहाँ पे हमें कवर करेगा। तो इसको हमने तमाम चीज़ों को हमने करना है, विजिबिलिटी पब्लिक इमिडिएटली और इसके अलावा ये तमाम चीज़ें हम आगे जाके सीखेंगे। फ़िलहाल हमें इसके अंदर कोई सेटिंग नहीं करनी, फ़िलहाल आपको बताना था कि आप किस तरह एक्सेस कर सकते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर। इसके अलावा जो हमारे पास पहले पोस्ट मौजूद है तो हम उनमें जाते हैं और उनको ख़त्म करते हैं ताकि हम एक नई यानी अच्छी तरह से अपनी जो पोस्ट है उनको यहाँ पर बना सकें। उसमें कुछ व्यूज़ तो मौजूद हैं लेकिन इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक अच्छा और यूनिक कंटेंट बनाने जा रहे हैं। तो मूव टू ट्रैश करके मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ये देखिए जी 20 पोस्ट मूव हो चुकी है, बाकी को भी हम मूव टू ट्रैश कर देते हैं। और ये देखिए जी बाकी भी 8 अप्लाई करते हैं तो वो भी चली जाएंगे। अभी हमारे पास वेबसाइट जो है बिल्कुल फ्रेश है, यहाँ वेबसाइट देख लेते हैं। हब ऑफ इस्लामिक नॉलेज ये वेबसाइट का टाइटल था, तो हम टाइटल भी चेंज करेंगे और बाकी तमाम चीज़ें इसके अंदर चेंज करेंगे और हम इस वेबसाइट को यानी आगे लेके जाएंगे। तो वो तमाम चीज़ें हम वो भी साथ साथ देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे कि हम किस तरह पोस्ट को राइट करेंगे और फिर उससे आगे ये चीज़ें करेंगे। मैंने इस वीडियो का मकसद ये था कि आप या पोस्ट में और ऐड न्यू या फिर ऐड न्यू कर सकते हैं ताकि आप अपना एक आर्टिकल यानी जो आप राइट करना जा रहे हैं वो आप किस तरह राइट कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट जो एडिटर है राइटिंग टेक्स्ट एडिटर उसमें कैसे इंटर हो सकते हैं। तो इस हवाले से आप ने जान लिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।